हेलो दोस्तों, मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं इसके ठाकुर टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जो बीजियो का ड्रोन है, इसका जो शार्क मॉडल आता है, इसका जो एक प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, इसी का रिपेयर करके हम आपको बताने वाले हैं। सो दोस्तों, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, किस तरह से वो मोटर रिप्लेस किया जाता है, इसके बारे में बताएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हम दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारे जो ये मोटर्स है, ये काम नहीं कर रहा था, इसलिए हमने इसको इसी चाकू की मदद से इसको कट कर लिया है। ठीक है, इसके दो पॉइंट्स हैं, ये देखिए। और इसको आप किस तरह से आप टेस्ट कर सकते हैं, देखिए। आपको एक बैटरी लेना है ना होगा, बैटरी का दो पॉइंट पे आपको कनेक्शन करना होगा, रेड पे रेड और ब्लू पे इसका वाइट वाला। और आप देखेंगे यहाँ तो ये रोटेट नहीं होगा, ठीक है, रोटेट नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, हमने इसको ऑर्डर किया, एक मोटर ऑर्डर किया जो आया था, इसी मोटर को यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे अगर हम इसका बैटरी से इसका पॉइंट कनेक्शन करते हैं तो ये रोटेट होने लगेगा, ठीक है। तो दिखाते हैं, देखिए ये रोटेट, देखिए दोस्तों ये रोटेट हो रहा है, ठीक है। आप बारीक से अच्छी तरह से देखेंगे तो ये आपको दिखेगा, ठीक है, टेस्ट कर लीजिए, ठीक है। मोटर ठीक, अभी ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे और इसका सोल्डिंग करेंगे। सोल्डिंग करने के बाद ये जो प्रोपेलर्स काम नहीं कर रहा था, ये अच्छी तरह से काम करने लगेगा। फिर से आपको इस यहाँ पे खोल लेना होगा, ऊपर से इस तरह से आप खोल लीजिए। खोल लेने के बाद ये जो वायर्स है, इस वायर को आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। ये जो इसमें होल्स दिया गया है, यहाँ पे आप इस होल्स पे डाल दीजिए, यहाँ पे एक डाल दीजिए और यहाँ पे और एक डाल दीजिए, ठीक है। यहाँ पे डालने के बाद इसको फिर एक दूसरा होल है, यहाँ पे डाल लेते हैं। यहाँ पे एक होल दिया गया है इसके अंदर जाने के लिए, वर्स जाने के लिए, और ये दोनों वर्स को एक एक के बाद एक इसको डाल लेते हैं, ठीक है। जो मोटर का दो वायर्स दिया गया है, यहाँ पे आपको अच्छी तरह से वो दो पॉइंट पे पीसीबी से सोल्डिंग कर लेना है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो स्क्रू दिया गया है, अच्छी तरह से यहाँ पे लगाएंगे और इसका कवर कर देंगे। तो चलिए टेस्ट करते हैं।